शमशाबाद बल्दिया के अहदेदारों ने रातों रात शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की मलगियात को मुनहदम कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने शमशाबाद के बल्दिया दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज किया और शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजियों ने बल्दिया की शरंगेजी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे गलत हरकत करार दिया। बल्दिया का कहना है कि इजाज़त के बगैर इन मलियात की तामीर की गई है। एहतजाजियों ने कहा कि रातों रात चोरों की तरह बल्दिया ने यह कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के जज्बात को शदीद तौर पर ठेस पहुँचाई है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और थलसानी श्रीनिवास यादव ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज तफसीली मुआयना करते हुए बकिया कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का 4 अगस्त को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करने वाले हैं। इस सेंटर को असरी तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर पुलिस के तमाम शोबेजात को एक ही छत तले रखा गया है। पूरे शहर हैदराबाद के सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के जरिए अब शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहेगी। शहर में मंगल की सुबह एक मरतबा फिर बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और आम जिंदगी मफलूज हो गई। सुबह तकरीबन 8 बजे ये बारिश हुई, जिसके नतीजे में स्कूल जाने वाले तलबा और काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहंदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की थी कि वह बारिश के रुकने के बाद ही अपने सफ़र का आगाज़ करें। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में निशानदेही करते हुए कहा है कि रियासत के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आरमूर के रुकने असम्बली जीवन रेड्डी पर खातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब किया गया।
ज़राए से मालूम हुआ कि बंजर हिल्स में वाक़ रुकन असम्बली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। उसे देखकर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसकी शिनाख्त आर्मूर के मोज़े केलकड़ व सरपंच के शोहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई है। ज़राए से मालूम हुआ कि इसकी बीवी को मअतल करने पर वो बरहम हो गया था और रुकन असम्बली पर हमले की गर्ज़ से हैदराबाद पहुँचा था। इसके पास से खंजर और रिवाल्वर जब्त किया गया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने निशानदेही करते हुए कहा है कि वोटर्स कार्ड्स को आधार से मरबूत करने के अमल का बेहतर रद्द अमल शहरियों से हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ताहाल 119 हलकों में इस अमल पर राय दहिंदों ने अपने वोटर्स कार्ड्स को आधार कार्ड से मरबूत किया। तकरीबन 4,000 राय दहिंदों ने रजाकारना तौर पर इसमें हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने महेश्वरम हलके से एमएलए के तौर पर मुकाबला करने के मौके पर नई सियासत सीखी और ये भी सीखा कि चेवड़ला से कहीं बेहतर महेश्वरम में कैसी सियासत की जानी चाहिए। उन्होंने आर के पुरम और ग्रीन हिल्स कॉलोनी में मुकामी अफराद के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर के इल्म में आवाम को दरपेश मसाइल लाए गए। उन्होंने इन मसाइल के हल का तयकुन दिया। उन्होंने वालदेन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को कोरोना का बूस्टर डोज लगवाएं। AICC तर्जुमान श्रवण ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि सी प्रवीण के जुए खाने की सरगर्मियों की CBI तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने प्रवीण कुमार के DCCB सदर नशीन देवेंद्र रेड्डी के साथ करीबी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ED को चाहिए कि वो मेदक DCCB की कुंडापाका ब्रांच पर धावा करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि देवेंद्र रेड्डी ने जुए खाने की सरगर्मियों के दस्तावेजात लाकर छुपा रखे हैं। ఆటో డ్రైవర్స్ కూడా చేస్తున్నారు తెలంగాణ సాధన కోసం రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో సకల జనుల సమ్మె కానివ్వండి రకరకాల సందర్భాలలో బంద్లు నిర్వహించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆటోలు బంద్ పెట్టి పొట్ట ఎండుతున్నా కడుపు కట్టుకొని భార్య పిల్లలకు ఇబ్బంది అయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత కీలకంగా ఆటో డ్రైవర్లు పనిచేసింది తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరి సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతాము అని చెప్పని 2014 ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసి కేసీఆర్ గారు మోసం చేసిండ్రు తర్వాత 2016-17 మళ్ళా 18లో కూడా అనేక సార్లు అనేక రకాలైన వాగ్దానాలు చేసి ఆటో డ్రైవర్లను మోసం చేసిండ్రు వాస్తవానికి ఆటో డ్రైవర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పొలిటికల్ అంబాసిడర్స్ ఎందుకంటే ఆటోలో పోతూ పలానా పార్టీ మంచిదో పలానా పార్టీ చెడ్డదో అని చెప్పని పోయే ప్యాసింజర్లకు వేలాది మంది లక్షలాది మందికి ముచ్చట్లు చెప్పి వాళ్ళ మనసులను మా ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి ఒక పొలిటికల్ అంబాసిడర్స్ ఆటో డ్రైవర్స్ అటువంటి ఆటో డ్రైవర్స్ వాడుకోవడం కోసం అని చెప్పని
మభ్యపెట్టి వాళ్ళ ఓట్లను తట్టుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళను పరోక్షంగా ఎన్నికలలో వాళ్ళ పార్టీ కోసం ప్రచారం చేసేందు కోసం అన్నట్టుగా వాళ్ళను వాడుకొని వాళ్ళకి అనేక సాయిలను ప్రకటించి ఏది కూడా అమలు చేయకుండా మోసం చేసిన వైనాన్ని ఈరోజు ఆగస్ట్ 1st అయినటువంటి యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఆటో డ్రైవర్స్ డే నాడు గుర్తు చేస్తూ దానికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి విషయాలన్నీ కూడా పెద్దలు గౌరవనీయులు జనక్ ప్రసాద్ గారు ఆల్ ఇండియా ఐఎన్టీసీ జనరల్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ కాంగ్రెస్ లో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఐఎన్టీసీ నాయకులు కార్మిక సమస్యలు ఆటో డ్రైవర్ సమస్యలపైన పరిపూర్ణమైన అవగాహన వారు మీ ముందు ఆ సమస్యల గురించి తర్వాత వాళ్లకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ప్రధానమైన డిమాండ్ల గురించి మీతో ప్రస్తావిస్తారు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मुहियुद्दीन ने मेराज कॉलोनी वार्ड ऑफिस में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 18 इस्तेफादा कुनिंदगान में कर्जाजात की मंजूरी के पासबुक्स तकसीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर कारवान सर्कल में 112.5 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन के कर्जाजात को बैंक से मरबूत किया गया है। बाद हज़ार रुकने असम्बली ने हरीता हारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। बहादुरपुरे के मजलिस रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज दारुसलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के 4,62,53,992 रुपये मालियत के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर कारपोरेटर्स मोहम्मद सलीम हुसैनी पाशा मुख्तदर बाबा अब्दुल हन्नान और बहादुरपुरे के एमआरओ भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी का चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन था दारुसलाम के अंदर, और आज जो चेक बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में दिए गए हैं वो 462 है चेक्स हैं और उसका अमाउंट है 4,62,53,592 रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कारकर्दगी बोल सकते हैं आप, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जस्तजू, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की फ़िक्र, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की सोच का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर शादी मुबारक जैसा स्कीम और कल्याणा लक्ष्मी जैसे स्कीम की इजराई से कई गरीब घरों के अंदर जो माँ बाप की इस्तेतात नहीं थी अपने बच्चों की शादी करने के लिए, वैसे लोगों को 1,01,000 रुपया दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहकर, पहले कम अमाउंट था उसे बढ़ाकर 1,01,000 रुपये कराया गया है। इंशाल्लाह ताला और प्रोग्राम्स होंगे और डेवलपमेंट के काम होंगे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के अंदर, वो भी आपके सामने तफसील रखी जाएगी। आज का जो प्रोग्राम था शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी का प्रोग्राम था। शुक्रिया आप लोगों का। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद के फलकनुमा फ्लाईओवर के करीब कल शब इकदाम में कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि फलकनुमा फ्लाईओवर के करीब ये वारदात पेश आई। जख्मी शख्स की शिनाख्त 27 साल वहीदुद्दीन के तौर पर की गई है जो फलकनुमा से शाहीन नगर जा रहे थे। नामालूम अफराद ने उन पर हमला करते हुए 5,000 रुपये की रकम लूट ली। जख्मी वहीदुद्दीन को दवाखाना भेजा गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि वहीदुद्दीन हालत नशे में थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आज 2 तारीख को रात में 2:30 टाइम पे हमारा एसआई छतरीनाका एसआई महेश वो काली माता टेम्पल को टिकट चेकिंग करने को जा रहा था। वो फलकनुमा फ्लाईओवर स्टार्टिंग के तरफ आने के बाद वो एक सिविलियन मोहम्मद इमरान बोल के उन्होंने बताया वो एक आदमी को ऐसा गला काट दिया था, गला काटे तो ब्लीडिंग आ रहा, उसके पास 5 अर्जेंट वो लेके गया, 2 आदमी उसको अटैक करेगा थे बोल के बोले।
इमीडिएट हमारा पुलिस एस आई वालों को उन्होंने से पूछे तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने शहीद नगर वाला कहते, उनका नाम वहीद अदीन, उनका 25-27 एज रहता, उन्होंने फलकनुमा से शहीद नगर जा रहा चंद्रानी कोटा लिमिट्स में, और उनको पूछे तो उन्होंने दो आदमी आके मेरा को थ्रोट कट करे सब शार्प वेपन से, शार्प मटेरियल से, मेरा पास 5000 लेके गया बोल के बोले, इमीडिएटली ब्लीडिंग आ रहा बोल के इमीडिएट उनको भिजा दिया। हॉस्पिटल जाने के बाद एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उनको आउट ऑफ डेंजर बताया। कुछ भी नहीं सर, नया कुछ भी नया नाम बोले, वो अननोन पर्सन सर। उन्होंने हॉस्पिटल में अच्छा बात कर रहे कहते, डॉक्टर्स भी आउट ऑफ डेंजर बोले, उन्होंने पीके है, ही वॉज इन ड्रंकन कंडीशन, पीके है, वो भी सीसी कैमरा पूरा हम लोग चेक कर रहे, फोन करे क्या है, उन्होंने लोना है, उसके हालत भी 5000 हाई है नहीं है वो भी, उनका कहाँ से 5000 आया वो भी चेक कर रहा हूँ, पूरा हमारा ऑफिसर्स को भी बताया, तो इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा, वो केस कंप्लेंट ले लेके केस बुक करते। सर प्लेस ऑफ ऑफेंस क्या है? वो स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाईओवर बोल के बोले, और एक वाहिद बोल के बोले, उन्होंने 2 घंटे से इधर ही बैठे साहब बोल के बोले, वाहिद यहाँ पे रहता स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाईओवर के पास रहता, उन्होंने बोला 2 घंटे से इधर ही आई साहब, उन्होंने मैं देखा बोल के बोला, अटे ये ऑफेंस 2 घंटा बोले तो 12:30 बिटवीन वी आर सस्पेक्टिंग दैट दिस ऑफेंस वॉज टेकन प्लेस अराउंड 12:30। नाग पंचमी के मौके पर सिकंदराबाद के नागम माँ मंदिर में अकीदतमंदों की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई और मंदिरों को सजाया भी गया।